हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर्स न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं जैसे इधर आई ना तो इसने देखो पूरा घर ज़्यादा ही तहस महस कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ उसको अभी सही कर देती हूँ। तो अब इसकी हालत देख लो और थोड़ी देर बाद उसकी हालत दिखाती हूँ। और कल ब्लॉग नहीं बना पाए पूरी अच्छे तरीके से, क्योंकि कल एक इसका एक बच्चा ना वो एक्सपायर हो चुका था। पूरा ही ना मूड ख़राब हो गया। और ये बच्चा अभी ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और ये दूध नहीं पीते, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। गाइस, इनका घर देखो, मैंने साफ कर दिया और कितना कचरा लिख रहा है। ये कचरा इसके घर में से लिख रहा है। और इधर भी है ना, मैंने साफ कर दिया, इसने गंदा कर रखा था। इसने नहीं, इसकी वाइफ खाए कोको उसने। और देखो साफ होता है, ये मैडम बैठी है ऊपर। गाइस देखो, ये झाड़ू से लड़ रहा है यार, ये झाड़ू से लड़ रहा है। गाइस ये उठे नहीं है। और मैं अब अपनी अलमारी की सफाई कर लेती हूँ जो दुनिया भर की गंदी पड़ी है। और ये इनको सोने देती हूँ, जब ये जगेंगे तब चाय पिलाऊंगी इनको मैं। बिल्कुल पोज मार के सो रहे हैं गाइस। अभी यार सोनू भाई को देखने वाले आए थे, देखा नहीं? देखा फिर तेरे को बता देते हैं। देख लिया फिर कल पूछी पूछी भी नहीं, देखना था उन्हें, देख। अच्छा, देख के चले गए बस। आठ दस थे ना शायद, टोटल ये हॉल में बैठे थे जो मैंने तीन ही देखे। तेरे को पता था जब तक देखने वाले हैं बैठा? तो जब अरे मेरे को जगह से ले गए ना मुनीत जी। अच्छा, उनको ज्यादा टेंशन हो भाई, ऐसे कह रहे हैं। दर्द हो रहा है यार मेरे, अपने तो लॉस हो गया इतने तगड़ा। उसके बाद में अरे सोनू जग जा भाई, वो आ गए। गाइस मोटी आ चुकी है, घुस जा अंदर ही आ जा। गाइस मैं आ गई हूँ, पीछे सुपरमैन घूम रहा है अपनी बॉडी दिखाते हुए। और गाइस मैं जब शॉप पे आई ना तो मेरे दिमाग में एक खुराफात ही चल रहा था कि किसी से ना लड़ाई करने का मन कर रहा। और घर आते हैं ना सबसे पहले वही काम करा मैंने। इन लोगों से लड़ाई नहीं करी, ऐसे किसी से फोन पे की थी। उठाना बेबी इसको एक टांग से, ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके उठा लो। अरे मेरा ये उतर गया, जींस उतर रहा है। मैं कर लूँ, इसको फेंक के आना बेटा। जींस उतर गया, ले डस्टबिन में डाल। और कोई भी चीज खाओ ना डस्टबिन में डाले करो ना। ये डस्टबिन नहीं है गाइस, ये देखो ये ना किसी चीज का कार्टून है सामान रखने का, और उसमें ना डस्टबिन बना दिया। गाइस भूख लग रही है और मैं देखती हूँ इस डब्बे में मिठाई रखी है बहुत सारी। तो ये डब्बे में से निकाल ली मैंने मिठाई, जिसको मैंने खा लिया थोड़ा सा। और आप चलते उसको बाहर लेकर। और गाइस देखो, तीन पंच पटेल खा बैठ के बात कर रहे हैं। आपको दिखाती हूँ पास जाके। गाइस काचरी मिल चुकी है इनको पकी पकी, और नहीं धो लेती मैं। और गाइस देखो मैं आपको जंगली तरबूज दिखाती हूँ अभी। और गाइस देखो इस पेड़ में ना जाल लग चुका है, जाल मकड़ी का। मैं पूरे ना 5 दिन में आ रही हूँ इधर, और इधर है ना बहुत सारे क्वांटिटी में ना नींबू पड़े हैं, पर मैं नहीं बीनूंगी। और गाइस जैसे मैं इधर आई ना तो मुझे एक चीज़ दिखी इधर, पुदीना। अब मैं ना इसका बनाऊंगी पानी, पानी पतासे वाला। और गाइस ये तोड़ लिया पुदीना, और इतनी मस्त खुशबू आ रही है इसमें से बहुत। और गाइस कड़ी पत्ता भी ले लिया मैंने। और देखो ये रहा जंगली तरबूज, मैं आपसे बता रही थी ना जंगली तरबूज आ रहा था बड़ा, इसको खाऊंगी बड़ा हो जाएगा जब। अब चलते हैं गाइस अंदर किचन में। तो गाइस लोखी अंकल जी देख के गए मुझे, अब मैं पूछने वाली हूँ लोखी बनाऊँ या कड़ी चावल बनाऊँ। गाइस हम जा रहे हैं बाहर घूमने टाइम पास के लिए, शाम हो चुकी है, क्योंकि घूम फिर के आते हैं थोड़ी बहुत देर। भाई बैठा तो लें, चलो। अरे बारे एक टायर में चला रहा है, एक टायर में। गाइस आज शीरो कोको लूसी को ना माल मिला है खाने के लिए, अंडे की रोटी मिली है शीरो कोको लूसी को, जो ना देखो एक वो खा रहा एक वो खा रहा। वैसे खाते नहीं है पूरा खाना। और मैं चलती हूँ किचन में। और आज मैंने देखो बेसन की करारी की सब्जी बनाई है, जो हमारे घर में पिपासा को ज़्यादा पसंद है, सारी सब्जी चट कर जाएगी। और फिर से मैं फ्रिज की तरफ आ चुकी हूँ, और देखो इस डब्बे में ना इस डब्बे में मेरी चॉकलेट्स रखी हैं सारी, जो मेरे भाई ने गिफ्ट की थी। तो गाइस डब्बा खोल लिया, और इसमें से ना जो मेरी फेवरेट है ना वो ये वाली है, 5 स्टार डेयरी मिल्क। ये मुझे ना बहुत ज़्यादा वाली पसंद है। गाइस मेरी एक चॉकलेट है ना बेबी ने रात में चोर के खा ली थी,
फाइव स्टार कब से पसंद आ गई तुमको? किटकैट अच्छे लगते होते हैं मतलब। हाँ अरे जो चॉकलेट आई वो फेवरेट बन जाती तुम्हारी तो। खा लो ऐसे तोड़ोगे नहीं गाइस, थोड़ी सी खाई है बस। इतनी बड़ी थी गाइस, रात के बज रहे हैं 10 और मैं बैठा हूँ रसोई में इस वक्त, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही क्योंकि लाइट नहीं आ रही। और मैं छोटे बच्चे के लिए दूध तैयार कर रहा हूँ, पहले तो गर्म करा था, अब ठंडा करने लग रहा हूँ उसको पिलाने के लिए। एक बार अब पिलाऊंगा और फिर एक बार लगभग 12 बजे के आसपास पिलाना पड़ेगा उसे, 12-1 बजे के आसपास।